सिवान में एक बार फिर कौमी एकता का मिसाल पेश की गई। आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर के सभी पार्टियों के जिले के जनप्रतिनिधि और नेतागण, साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के समर्थक इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में लोग की भीड़ जुटी रही, महिलाओं की भी भीड़ देखी गई। इस आयोजन में सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि पार्टियों ने दल से ऊपर उठकर हमने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। यहाँ पे सभी लोग हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए इस पार्टी में शामिल हुए हैं और इसका आयोजन किया गया है। तो देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था अपने आवास पर। काफ़ी संख्या में लोग यहां पे शामिल हुए, विधायक भी शामिल हुए, कई दल के नेता भी इस इफ्तार पार्टी में शिरकत किए। सर, आपके यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, क्या कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया इफ्तार पार्टी रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, सद्भावना का इफ्तार था और दल से ऊपर उठ कर के था। हम सिवान के सभी भाइयों को, चाहे रोजगार हो या अन्य हो, सबको मैंने आमंत्रित किया था। मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके भारी संख्या में इसमें लोगों ने शिरकत किया है। जितने लोग आए हैं उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस बार से महिलाओं की स्थिति, संख्या काफी भारी मात्रा में उपस्थित थी क्या? हाँ, बड़ी बहुत महिला भी बहुत आई थी, महिला की कमी नहीं, हमेशा महिला आती है।